हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नायाब कोचिंग सेंटर। हम लोग देखे थे बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट वन, आज देखेंगे बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट टू। तो इससे पहले वाले वीडियो में सिर्फ देखे थे हम लोग प्लस और माइनस। आज हम लोग देखेंगे प्लस माइनस और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। तो ये चारों जब एक साथ आ जाता है तो हम लोग एक रूल मैथ तो बना हुआ है, बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास के हिसाब से जाएंगे, बोर्ड MAS बोर्ड मास। तो B से होता ब्रैकेट ऑफ, O से होता ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करेंगे। और एक बात हम लोग देख लेते हैं, कल देखे थे कि हम लोग अगर मान लीजिए ए प्लस बी बराबर सी हो तो इस बी को अगर उधर लेके जाना हो तो इसका सिर्फ क्या होता था, साइन चेंज हो जाता था है ना। हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, कैसे होता है तो ए इंटू बी बराबर सी मान लेंगे हम लोग, तो इस पूरे के नीचे वन होता है हमेशा, समझिए कि इसका नीचे वन होता है पर वन लिखते नहीं हम लोग, डिमिनेटर में हमेशा वन होता है सबके डिमिनेटर में। जैसे मान लीजिए कहीं पर दो लिखा हुआ, अगर इसका नीचे कुछ नहीं है डिमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन होता ही है, वन को हम लोग लिखते नहीं। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी क्रॉस इनटू करना है। तो एक ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास क्रॉस, यहाँ पे हम तो एक से इनटू होने के बाद तो एक ही सी रहेगा और बी से वन को इनटू करने के बाद बी रहेगा। तो इस तरह से यानी कि जब इनटू और डिवाइड होता है तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है, पर कटता भी है। जैसे ए ए इनटू बी बराबर मान लीजिए ए इनटू डी हो तो ए से ए यहाँ पे कट जाएगा, मगर ए में प्लस में नहीं कटता, यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस डी होगा तो हम लोग काट नहीं सकते, बस ले जाके इसको क्या करने होगा, एडिशन करने होगा, यानी कि ए प्लस ए बराबर ए इधर जाकर हो जाएगा, ये माइनस डी माइनस बी इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं, फिर आज के वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें शुरू से आखिर तक। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे डिवाइड है, तो हम लोग दो एक साथ आ गया, तो बोर्ड मास के हिसाब से हम लोग देखते हैं बोर्ड MAS मास। तो ब्रैकेट तो है नहीं यहाँ पे, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड है, तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग के पास एक एडिशन है तो एडिशन कर देंगे। तो 369 डिवाइड बाय 9, तो 9 से इसको काटेंगे हम लोग। तो देखिए फिर से यहाँ पे 1 होता नहीं है, तो 1 नहीं 1 होता है तो वन हम लोग को दिख नहीं रहा मगर वन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 369 इसको इनटू बनाना पड़ता है, इसको डिवाइड को क्या क्या बनाना पड़ेगा इनटू, जब इनटू बनाएंगे तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। तो फ्रैक्शन उल्टा कैसे हो, तो मान लीजिए इसका नीचे वन है तो वन ऊपर चला जाएगा हम लोग के पास, तो वन ऊपर जाने के बाद क्या होगा नाइन, तो ये नाइन हम लोग इस तरह से हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर सीधा डिवाइड ही कर लीजिए, डिवाइड बना हुआ निशान तो डिवाइड हम लोग देखते हैं, तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं 169 9, या फिर ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख के डिवाइड कर सकते हैं, तीनों तरीक़े से कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए काटते हम लोग, तो 9 चौके 36 और 9 19, तो हम लोग के पास हो गया 41, तो 41 है और एडिशन में हम लोग 28, तो हम लोग ऐड कर देंगे इसको, तो 219 और यहाँ पे हो गया 6, यानी कि 69, तो 69 के यहाँ पे ऑप्शन में डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा बनाने से पहले आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन फिर एडिशन और बराबर है, उसके बाद 158 है, उसके बाद प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहले इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर से हिसाब से हम लोग को बोर्ड मास के हिसाब से पहले किसका काम होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन का, तो 188 कितना होता है, तो 188 144। कल ही बोले थे हम लोग के 2 से लेके 20 तक का टेबल याद कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे 30 तक के भी याद कर लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। प्लस 117 प्लस 35 बराबर 158 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है, तो हम लोग इसको बार बार ऐसे ऐड नहीं करेंगे हम लोग बार बार है ना, 171 ऐसे करके 35 इसको डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे। कैसे, तो 4 है ना, 4 7 11 11 और 6 कितना हो गया 16, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख दिए। उसके बाद 4 है हम लोग के पास, 4 और 1 5 5
और 3 8, और हाथ में एक था हम लोगों के पास, तो 9 हो गया। तो 1 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 296 हो गया यहाँ पे। उसके बाद 158 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो हम बोले तो इसको इधर लाने से क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे अब। तो 296 माइनस 158, तो इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास 8 से 8 जाएगा, 8 से यहाँ पे तो हम लोग ज़्यादा एक लेना होगा 16, तो 16 से 8 गया तो 8 हम लोगों के पास, एक घट गया तो यहाँ से एक ले लिए थे, तो हम लोग कितना बचे 8, तो यह होगा 3 और यहाँ पे 1, तो 138 कहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग के पास एक परसेंटेज आ गया, ऑफ आ गया, तो हम लोग पहले ही हम लोग बोर्ड मास के हिसाब से तीन चीज़ आता है, बोर्ड बहुत सारा चीज़ हम लोग का देखते हैं, तो बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट नहीं है, ऑफ है यहाँ पे, क्या है हम लोग के पास ऑफ। उसके बाद हम लोग के पास एक सब्सट्रैक्शन है, तो चलिए परसेंटेज कुछ नहीं होता, इस परसेंटेज के बदले क्या दे देंगे 100, यानी कि 26/100। इस परसेंटेज को जब भी हटाते हैं तो एक डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ऑफ। ऑफ देखते हम लोग माइनस क्वेश्चन मार्क 128। तो देखिए इस ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता, इस मल्टीप्लाई ही होता है, मगर मल्टीप्लाई और ऑफ एक साथ कहीं पे हो तो किसका काम करेंगे, पहले पहले ऑफ का काम करेंगे ना, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे। मल्टीप्लाई और ऑफ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसको काट दीजिए यहाँ से, जीरो से जीरो जाएगा हम लोग के पास, ये पाँच से जाएगा, पाँच दूनी दस, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, तो ये दो से जाएगा 13 बार में, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको, बोले तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो दो बार लिख दीजिए 11, क्योंकि एक से इंटू करना है, तो 3 है ना, यहाँ पे हो गया 4 1, तो इधर हम लोग कितना हो गया पूरा सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करके हुआ 143 माइनस क्वेश्चन मार्क 128, तो ये इधर जाएगा हम लोग का पास, तो निशान चेंज होगा फिर से, तो चूंकि इधर हम लोग का प्लस में तो जाएगा हो जाएगा माइनस, तो इसको माइनस कर देते हैं 143 माइनस 128, तो हम लोग हो गया मतलब 13, तो 8 5 13, हम लोग एक कैरी फॉरवर्ड लिए थे, 3 बचा यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे हो गया खत्म। तो चूंकि यहाँ पे देखिए ये बड़ा था, हम लोग कल बोले थे कि जो बड़ा होता है उसका निशान हम लोग लेते हैं, तो माइनस क्वेश्चन मार्क माइनस 15, क्योंकि इधर जाके ये माइनस बना था और ये बड़ा है तो निशान इसलिए माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया हम लोग के पास, क्वेश्चन मार्क हो गया 15, तो 15 कहाँ पे हम लोग के पास, पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उम्मीद करते हैं हम मेरा सॉल्व करने से पहले आप भी सॉल्व कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए पॉइंट भी आ जाते हैं, हम लोग कल बोले थे पॉइंट प्लस माइनस में देखे, तो इंटू भी माइनस आता है, तो देखिए पहले सबसे पहले किसका काम होगा, ब्रैकेट का, फिर हम लोग का किसका काम होगा, तो बोर्ड मास एक बार लिख लेते हैं हम लोग, बोर्ड MAS मास, तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग सब आइए ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट है हम लोग, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग डायरेक्ट इससे इंटू भी कर सकते हैं और एक काम कर सकते हैं, हम लोग को मालूम होता है पॉइंट को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ा देते हैं, एक जीरो देते हैं, एक घर के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और नीचे में एक जीरो दे देंगे, दो घर के बाद रहता तो जो दो जीरो दे देते, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1485 डिवाइड बाय 10 इंटू 16 इंटू 4, इसको काट दीजिए कट रहा था हम लोग का, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 5 9 45, 5 7 35, उसके बाद 2 से ये कट जाएगा हम लोग का पास, 2 2 4, इसको भी इंटू नहीं करना है, 97 इंटू 16 इंटू 2, ये हम लोग के पास ये ब्रैकेट से बाहर निकला, यहाँ पे हम लोग क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड हम पहले बोले थे डिवाइड को हम लोग इंटू लिख के 1/8 कर देंगे, क्योंकि इसका नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो इंटू 1/1/8 माइनस 3 5 6, तो 8 से ये जाएगा हम लोग के पास, 8 2 16, यानी कि 97 इंटू 4 माइनस 3 5 6, तो इसको 4 से इंटू कर दिए, तो 7 4 28 का 8, हाथ मेरा 2, 9 4 36, 36 और 2 38, हम लोग को हो गया माइनस 5 6, तो माइनस कर दीजिए इसको, तो 3 5 6 माइनस 3 8 8 है ना, तो हम लोग इसको माइनस करते हैं 2 3 इंटू, तो 32 कहाँ पे हम लोग के पास, ये
लो कैंसर हो गई। चलिए आगे बढ़ते, आप भी सॉल्व करते रहिए वीडियो को पॉज करके। तो देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट है, तो पहले इसको ब्रैकेट से हम लोग बाहर निकालेंगे, है ना। तो चलिए निकालते हैं, तो 15 सते 105 माइनस, इसको ब्रैकेट से मार निकालेंगे तो 18 होगा, माइनस 63 माइनस क्वेश्चन मार्क इंटू 6। तो चलिए देखिए ये दोनों माइनस में, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। तो कैसे ऐड करेंगे, तो 8 और 3 11, 11 का 1, 6 और 1 7, हाथ में 1 था तो ये हम लोग का पास 8। माइनस 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 प्लस होता है, मगर साइन किस करेगा, माइनस का, तो 105। तो 105 माइनस 81, पहले माइनस कर लीजिए इधर, इधर हम लोग क्वेश्चन मार्क इंटू 6 है। चलिए माइनस कीजिए तो 5 है, अगर इस तरह से नहीं हो पाएगा तो आप ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि हम लोग 5 से 1 गया तो कितना बचा, 4, यहाँ 10 है, 10 से 8 गया तो 2, यानी कि 24 इंटू, तो ये देखिए। अब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम बोले थे कि ए इंटू बी बराबर ए इंटू डी होगा, तो ये बराबर बराबर क्या होता है, कट जाता है, मगर बीच में क्या होना चाहिए, इंटू। तो देखिए बीच में क्या हम लोग के पास मल्टीप्लिकेशन, तो इसको डायरेक्ट ही काट सकते हैं, तो 4 बार में कट जाएगा और क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ जाएगा, 4, तो हम लोग आंसर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करते कुछ सीखे होंगे। तो अगला हम लोग नेक्स्ट पार्ट है मिलेंगे, और हम लोग देखेंगे कुछ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हम लोग देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो हम लोग अभी सीधे सीधे देखे, तो फ्रैक्शन में भी देख लेंगे इसको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर न्यू है तो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।